आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिन्होंने अपने रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा दिया। मतलब किसी इंसान के पीछे इतना भाग गए कि उस इंसान की वजह से अपनी पूरी इज्जत गवा दी, और आज वो इंसान आपके साथ नहीं है, या फिर वो इंसान आपको छोड़ने की बात कर रहा है, या फिर वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता। इस सिचुएशन में आप फंस चुके हो, तो इस वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आपने जो चीज़ें बताई वो सारी चीज़ों को हमने फॉलो कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट सामने वाला जो इंसान है जिसके साथ हम रिलेशनशिप में है वो इंसान हमारे वैल्यू को नहीं समझ रहा है, या फिर वो इंसान हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो इंसान हमारी तरफ से मतलब अटेम्प्ट हमारी तरफ से लग रहे हैं, सामने वाले की तरफ से कोई अटेम्प्ट नहीं, रिलेशनशिप टूट भी जाएगा, हम भाड़ में चले जाए, हमें गालियाँ देता है, अवेजिंग करता है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि हमें इस सिचुएशन में क्या स्टेज लेना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये वीडियो वही लोग देखेंगे जिनको अपने रिलेशनशिप में इज्जत को बढ़ाना है। आप चाहते हो कि वो इंसान आपके सामने हाथ जोड़े, आप चाहते हो इंसान आपके पास भीख मांगे। एक ऐसा समय है कि आज आपको उसके पास भीख मांगनी पड़ रही, प्यार की भीख दे दे, इज्जत की भीख दे दे, टाइम दे दे, रिस्पेक्ट कर ले, मेरा कॉल रिसीव कर ले, मुझे मैसेज कर ले। एक समय ऐसा आना चाहिए कि वो इंसान आपके पास आना चाहे लेकिन आप खुद उसको लात मार के अपने लाइफ से निकाल दो, अगर आप चाहते हो ये सिचुएशन आपके लाइफ में या फिर अपने रिलेशनशिप में, तो टिल एंड तक इस वीडियो को वॉच करना। मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे से व्यूअर है जो मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं। अगर आप वन एंड वन मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही, मेरा नंबर दिख रहा है, आप जाके मुझे मैसेज करिए कि सर कॉल बुक करना है, कॉल बुक करके आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात कर सकते, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वन एंड वन मुझे शेयर कर सकते। कॉल बुक करने के लिए चार्ज लगेगा, चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, जो मैंडेटरी होता है उसके बाद आप कॉल पर बात कर सकते। बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन थे कि सर जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हो कुछ बता दीजिए ना यार, बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहा है, मैं बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ, बिल्कुल परेशान चुके हो, क्या करना चाहिए सिचुएशन में, उस गधे को कैसे समझाए, उस गधी को कैसे समझाए जो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जो आपकी कद्र नहीं कर रहा है, उसे छोड़ देना बेटर होता है। आप में से बहुत सारे यही लोग हैं ना, मेरे को बोलते हैं अरे यार ऐसा कैसे छोड़ दी, इतने साल का रिलेशनशिप है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता ना, आप फिर मेरी बातें मानने के बाद भी अगर आप नहीं मूव ऑन करना चाहते कोई दिक्कत ना, आप जा सकते हो उसके पीछे, आप जाइए। आपने जो इज्जत बचा के रखी या फिर उस इंसान ने तो आपकी आपकी वैल्यू की ही नहीं, लेकिन जो इज्जत बची वो भी खो दोगे उसके पीछे भागने में। एक चीज़ है कि अगर नहीं रहना चाहता, सिंपल सा चीज़ है, ओके भाई नमस्कार, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये जो रास्ता था दिल का आपका, वो आने के लिए हमने वेलकम किया था, अब जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, जाए तो कहा जाता ना, आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, वैसी चीज़ होनी चाहिए। नो फोर्स, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो कंप्लेंट, कोई भी चीज़ होना चाहिए, झगड़ा या फिर हम बहुत सारी कंप्लेंट्स करने लग जाते हैं, फिर कंप्लेनिंग नेचर हो जाता है हमारे जो माइंड है ना, उसमें चार चार सवाल, चार चार क्वेश्चन आते हैं, छोड़ देता हूँ, फिर थोड़ी देर में मूव ऑन कर लेता हूँ, फिर बोलते हैं नहीं यार जाना है, फिर उसके बाद याद आती, फिर मैसेज कर देते, फिर कॉल कर देते। ये जो माइंड है ना, ये काफ़ी हर जगह भागने लग चुका है, इस माइंड को आप ही कंट्रोल में कर सकते हैं। और माइंड पे कंट्रोल करने के लिए आपको पहले खुद को ठानना होगा कि आपको मूव ऑन करना है, उस इंसान को वैल्यू रियलाइज करवानी, या फिर उसको फिर से लाइफ में वापस लाना, ये तीन चीज़ें होती है। लेकिन जो इंसान आपकी कद्र ही नहीं कर रहा ना, मेरे हिसाब से उस इंसान को पूरे हमेशा के लिए छोड़ देना बेटर है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, एक ऐसा समय आएगा जिस दिन आप उस इंसान को हमेशा के लिए छोड़ दोगे, हमेशा उस इंसान को अपने लाइफ से निकाल दोगे, वो इंसान एक समय ऐसा आपके पास हाथ जोड़ेगा, भीख मांगेगा, ये मैं गारंटेड आपको बता रहा हूँ। ये कैसा होता है मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जो इंसान होता है जो आपको छोड़ता है उसका माइंड सेट यही होता है आपको छोड़ने के टाइम पर, कि आप उसके पास गिड़गिड़ाओगे, आप उसके पास भीख मांगोगे, और अभी तक आप ये सारी चीजें कर चुके हैं। आई एम राइट, कर रहे हो आप भी गिड़गिड़ाते भी हो, भीख भी मांगते हो, सारी चीजें करते हो, यही चीज होती है और यही चीज वो चाहता है, उसको इस चीज से मजा आती है। एज पर साइकोलॉजी इंसान का माइंड, आप खुद सोचो ना, अगर आपके पीछे कोई पागल है तो आपको कैसे लगता है, अरे पागल है मेरे पीछे। आप ध्यान देते हो उस इंसान पर नहीं, उसकी फीलिंग्स को सोचते हो नहीं, आप उसकी फीलिंग के बारे में इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि आपको लगता है मेरे पीछे पागल है। लेकिन जिस दिन वही इंसान आपको इग्नोर करेगा, आपको लगता है यार ये इंसान मेरे पीछे पागल था, अब मेरे को इग्नोर कर रहा है, वैसे आप उसके पीछे पागल, आपके पार्टनर के पीछे, इसीलिए आपको उसको आपकी फीलिंग्स नहीं दिख रही, आपके अंदर का जो दर्द उसको नहीं दिख रहा है। यह दर्द उसको कब लगेगा, जैसे मैं हर वीडियोस में एग्जांपल देता हूँ, मुझे यहाँ पे चोट लगी, मैं गिर गया, मैं लोगों को बोलूंगा यार मेरे को बहुत चोट लगी, बहुत दर्द हो रहा है, लोग बोलेंगे अरे हाँ इसको बहुत दर्द हो रहा है ना यार, बहुत दर्द हो रहा है, लोग ये बोलेंगे, लेकिन ये चोट का जो दर्द है वो मैं फील कर रहा हूँ, मुझे पता है कितना दर्द हो रहा है, लोग सिर्फ बोल सकते हैं। लेकिन यही चोट जब उन लोगों को लगेगी तब उनको फील होगा कि यार हाँ बहुत दर्द होता है, उसको भी फील, उसको बहुत दर्द हुआ होगा। वही चीज़ जब आपको अभी जो दर्द हो रहा है या फिर आपको अभी जो तकलीफ हो रही, यही तकलीफ जब उसको फील होगी तब उसको पता चलेगा कि हाँ यार
उस इंसान की भी कोई वैल्यू थी और उस इंसान पे क्या बीती होगी, ये उसको तब रियलाइज होगा। इसीलिए उसको रियलाइज करवाने के लिए, ये दर्द उसको देने के लिए आपको उस इंसान की लाइफ से थोड़े समय के लिए गायब होना पड़ेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ हमेशा के लिए आप उस इंसान को छोड़ दो, उसका नंबर ब्लॉक कर दो। अगर जिसके साथ रिलेशनशिप रखना ही नहीं है तो उसका नंबर ब्लॉक करना बेटर है। बहुत सारे लोग यही पे कन्फ्यूजन होते, ब्लॉक कर अनब्लॉक कर, ब्लॉक कर अनब्लॉक कर, बहुत सारे तो ब्लॉक भी करते थे फिर अनब्लॉक करते, बहुत सारे कन्फ्यूजन में थे क्या करें। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर जो इंसान नहीं जिसके साथ रहना है उसको ब्लॉक कर देना सही है, उसके साथ इसका कोई मतलब नहीं, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा उसके साथ रह के क्या कर लोगे आप, उसको समझा के कर ही क्या लोगे, उसके साथ फोर्स करके कर ही क्या लोगे, फोर्स करने से आपकी वैल्यू डाउन होगी या फिर गिड़गिड़ाना से आपकी रिस्पेक्ट डाउन होगी, आपकी वैल्यू डाउन होगी। उससे अच्छा उस इंसान को लात मार के अपनी लाइफ से निकाल देना, यह सबसे बेस्ट और बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। तब उसको जाके लगेगा कि यार ये तो आने ही वाला ना, ये तो आने वाला है, लेकिन आप सच्ची में अपनी लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट कर दो, सच्ची में अपनी लाइफ में ध्यान देना स्टार्ट कर दो, अपने लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दो, अपने आप उसको रियलाइज होगा कि यार ये इंसान कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है। जब वो देखेगा ये तो सच्ची में आगे बढ़ रहा है, तब उसको रियलाइज होगा हाँ मेरी गलती थी। लेकिन अगर यहाँ पे ना उल्टी सिचुएशन ही हो जाती कि उसकी गलती होते भी हम उसके पास पहुँच जाते ना, इसलिए उसको अपनी गलती दिखती नहीं कि नहीं यार मेरी तो गलती नहीं, ये है ना मतलब इसी की गलती थी। और हम ये सबसे बड़ी गलती करते कि इसी में हमारी रिस्पेक्ट और हमारी वैल्यू इसी में खो देते कि गलती ना होते भी हम उस इंसान के पास जाना चाहते, यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर गलती नहीं है वहाँ पे सिर्फ चुप हो जाओ, साइलेंट होकर अपने लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करो, उसको ब्लॉक कर दो। अगर मान लो मैंने आपको एक थप्पड़ मारा और फिर आके बोलूँगा सॉरी, फिर उसके बाद दो दिन के बाद फिर आपको आके थप्पड़ मारूंगा फिर बोलूँगा सॉरी, फिर आप बोला अरे बार बार सॉरी, आप भी चला दोगे ना मेरे को थप्पड़, वैसी चीज़ है वो बार बार वही कर रहा है, छोड़ के जा रहा फिर आ रहा है, छोड़ के जा रहा फिर आ रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो रही है, आपकी इज्जत डाउन हो रही है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप उसको जवाब देंगे, जवाब का मतलब ये नहीं कि आप उसको गालियाँ दो उससे लड़ो, नहीं, जवाब का मतलब ये, जवाब का मतलब ये कि अगर उसने गलती की और उसके बाद आप उससे आर्ग्यूमेंट्स करो, उससे झगड़ा करो, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है आपकी तरफ से। बेवकूफ़ मत बनो कि यार मतलब चलो ना एक बार पहुंच लेते उसकी तरफ, चलो ना एक बार चल लेते ना उसकी तरफ, क्या हो जाएगा एक बार रिलेशनशिप में तो इज्जत जाने कोई दिक्कत नहीं, इज्जत की कोई जरूरी होती, रिलेशनशिप बच जाए तो अच्छी बात है, ये सही बात है, लेकिन हर बार झुकना सही नहीं ना, हर बार झुकने से इंसान आपको ना पागल समझने लग जाता है, यही चीज़ होती है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता, गलत नहीं वहाँ पे मत झुको, उस इंसान की गलती है तो उसको ब्लॉक करो, तब उसको रियलाइज होगा अरे मेरे को ब्लॉक कर दिया, तब उसको पता हाँ यार मेरी गलती है, सॉरी बोलना जरूरी है, तब जाके वो झुकेगा, तब जाके वो सॉरी बोलेगा। हम तो उसकी गलती होती है, हम खुद ही उसके पास पहुँच रहे, कहाँ से अपनी गलती एक्सेप्ट, गलती एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, बल्कि आपको और इग्नोर करेगा और आपको ग्रांटेड लेगा। तो ऐसे लोगों को छोड़ देना सही है जो आपकी कदर नहीं करते, जो आपकी वैल्यू नहीं करते, उनको लात मारो अपनी लाइफ से, 10-15-20 दिन एक महीना देखो इंसान कैसे दौड़ेगा आपके पीछे। लेकिन ये आप चाहते ना गिड़गिड़ाए रोए, ये कब होगा जब आप वो इंसान आपके पास आना चाहता है लेकिन आप उसको आसानी से मौका नहीं दोगे, नहीं अब मुझे तेरी जरूरत नहीं, कट आउट, बिल्कुल नहीं रहना तेरे साथ, तब उसको रियलाइज होगा कि आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दे ऐसा वैसा, लेकिन नहीं पूरी जिंदगी उसको रोने दो, तब उसको रियलाइज होगा, तब किसी और के साथ गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा या फिर आपके साथ गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए, जो एक बार छोड़ के जाता है दोबारा भी जा सकता है, जो एक बार हर्ट करता है दोबारा भी हर्ट कर सकता है। मैं आप सभी को एक लाइन बता दूं, आप लोगों ने शायद वो कोट सुना होगा, आपने ये लाइन बहुत जगह सुनी होगी, ठीक है, कि जो चीज़ मैं बताने वाला वो लाइन मैं आपको एक बार फिर से दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। वो लाइन ये है कि खुद को खुद की नज़रों में गिराना छोड़ दो, जो ना समझे उसको समझाना छोड़ दो, और जिसको समझाने से आपकी रिस्पेक्ट डाउन हो रही तो उसको समझाना बिल्कुल ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, इज्जत, वो अपनी रिलेशनशिप से बढ़कर होती है, उसको बढ़ा के रखो। अगर जिस इंसान ने सेल्फ रिस्पेक्ट को भाव नहीं देना, रिलेशनशिप सब कुछ है, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी, रिलेशनशिप के चक्कर में इंसान अपनी इज्जत को खो देगा, और जो इंसान इज्जत को खो देता है एक समय उसी का पार्टनर उसको लात मार के निकाल देता है, क्योंकि आपके पास इज्जत नहीं तो कौन आपके साथ रहना चाहेगा। जिसके पास इज्जत है उसके पास सब कुछ है, उसको सब कुछ मिलता है, तो इज्जत सबसे बड़ी जरूरी होती, प्रायोरिटी होती। जो आपके वैल्यू नहीं कर रहा लात मारो, जिंदगी से निकालो, एक समय वही आपके पास गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता हुआ आएगा। यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।